वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एंड द क्रिएटर। तो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में लेकर आए हैं बीएससी प्रथम वर्ष, बीएससी फर्स्ट ईयर के पेपर सेकेंड, जो कि आपका पेपर है फिजिक्स का और पेपर का नाम है मैकेनिक्स एंड जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, यांत्रिकी एवं पदार्थ के सामान्य गुण। ठीक है, ये नवीन शिक्षा नीति के तहत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनाए गए हैं और जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से जो कि आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिए, एंड तक देखिए, आपके लिए हेल्पफुल होंगे। तो अगर जो भी स्टूडेंट इस वीडियो पर नए हों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारे इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिससे आने वाले नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहें। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं शॉर्ट क्वेश्चन से। यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो कि आपको दिया गया है, वेरी देखिए, बीएससी फर्स्ट ईयर में अधिकतर क्वेश्चन जो रहते हैं ट्वेल्थ बेस के क्वेश्चन रहते हैं। तो जो कि आपने ट्वेल्थ में फिजिक्स में पढ़ा हुआ है, अधिकतर 80% वही क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, तो शायद आपको बन भी जाएंगे और इजी क्वेश्चन रहते हैं, फेमस क्वेश्चन ही रहते हैं। ठीक है ना, तो पहला क्वेश्चन है, डाइवर्जेंस संबंधी गॉस की थ्योरम लिखिए और इन्हें सिद्ध कीजिए। आपने पढ़ा हुआ है गॉस की प्रमेय और इसे प्रूव करना। अब सेकंड क्वेश्चन है, जड़ता गुण संबंधी लंबवत अक्ष प्रमेय लिखिए तथा इसे सिद्ध कीजिए। स्टेट एंड प्रूव द थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस रिगार्डिंग मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। सांतत्व समीकरण क्या है इसे समझाइए, वेरी इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, एक्सप्लेन इट। केंद्रीय बल किसे कहते हैं, सिद्ध कीजिए कि केंद्रीय बल द्वारा किसी कण को एक बंद मार्ग में ले जाने पर किया गया कुल कार्य कैसा होता है, शून्य होता है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द क्रिटिकल फोर्स, सो दैट द वर्क डन इज टेकिंग द पार्ट प्रैक्टिकल इन ए क्लोज्ड पैथ, वाई द सेंट्रल फोर्स इज जीरो। अगला क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है 100%, जो कि काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता समीकरण क्या है, ई बराबर एम सी स्क्वायर। इसको हमें निगमित करना है और आपने काफ़ी बार पढ़ा हुआ भी है, ठीक है ना। ड्राइव द आइंस्टाइन मास एनर्जी रिलेशन, ई इक्वल टू एम सी स्क्वायर। ठीक है, जहाँ पर सी क्या है, प्रकाश का वेग है, एम द्रव्यमान है और ई तो जो हमारा ई क्या है, तुल्यता समीकरण का रिलेशन। अगला है, किसी अदिश क्षेत्र के ग्रेडियंट से क्या तात्पर्य है, ऑपरेटर डेल्टा के पदों में इसका सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। दोनों मीडियम के माध्यमों में क्वेश्चनों को लिखा गया है, जो भी स्टूडेंट जिससे आप हेल्पफुल रहते हों आप उसको नोट डाउन कर सकते हो और उससे आप उस क्वेश्चन को समझ सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा। यंग प्रत्यास्थता गुणांक की परिभाषा दीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है, और इसे प्रूव कीजिए। ठीक है, जो यंग प्रत्यास्थता कॉन्टेस्ट है, यंग मॉड्यूल्स इक्वल टू टू ईटा रैकेट में वन प्लस सिग्मा, जहाँ पर पॉइज़न रेशियो सिग्मा है, ईटा मॉड्यूल्स ऑफ रिजिडिटी और यंग मॉड्यूल्स जो बाई जैसा इसका यंग प्रत्यास्थता गुणांक बोलते हैं जिसको। अगला है, किसी द्रव के पृष्ठ तनाव से क्या तात्पर्य, इसे प्राप्त करने की जैगर विधि को समझाइए, आवश्यक सूत्र निर्मित कीजिए। सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव को क्या बोलते हैं, सरफेस टेंशन। व्हाट इज द मीन वाई सरफेस टेंशन, एक्सप्लेन द जैगर मेथड फॉर इट्स डिटर्मिनेशन, ड्राइव द नेसेसरी फॉर्मूला यूज। अदिश और सदिश राशियों से क्या तात्पर्य है, व्हाट आर द स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज, बर्नौली प्रमेय लिखिए तथा सिद्ध कीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए, बर्नौली प्रमेय आज से बहुत साल पहले से आ रही आती रही है और हमेशा आती रहती है,
जब मैं 12th में था तब से भी लेकर अभी तक याद है। बर्नौली थ्योरम का जहाँ तक कथन मुझे याद है कि जब कोई अशंपड़ी अशांत आसमान पर छेद वाली नली में धारा रेखी प्रवाह से बहता है तो प्रत्येक बिंदु पर एकांक आयतन की कुल ऊर्जा नियत रहती है। इसमें क्या रहते हैं, दो पाइप यहाँ पर ऐसे बने रहते हैं, ठीक है, एक छोटा पाइप रहता है एक बड़ा पाइप रहता है, और इन दोनों के इनके जो एकांक आयतन की कुल ऊर्जा निकालनी होती है जो कि क्या रहती है, नियत रहती है, यानी जीरो रहती है, ठीक है, जो कि गतिज ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा दोनों तीनों का योग कैसा रहता है, शून्य के बराबर होता है। तो ये बर्नौली प्रमेय में रहती है, इनको हमें प्रूव करना होता है। पी प्लस रो डी वी प्लस एक बटे दो एम बी स्क्वायर इक्वल टू जीरो। तो ये थे कुछ हमारे फिजिक्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर सेकंड के बीएससी फर्स्ट ईयर के। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन को साथ में प्रेस कर दीजिएगा जिससे आने वाले नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहें। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, धन्यवाद।